डॉक्टर नोएरा शेख ने इस सच्चाई को साबित करने के लिए जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है और वो बेकसूर हैं। डॉक्टर नोएरा शेख पहले दिन से ही कह रही हैं कि हीरा ग्रुप के पास सरमायाकारों को कर्ज अदा करने के लिए काफी वसाइल हैं और आखिरकार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिफाफा हवाले करके साबित कर दिया। डॉक्टर नोएरा शेख के सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि वो अपने अराकैनों को जिताएं और उन्हें फतेह दिलाएं। 5 दिसंबर को हीरा ग्रुप ने तकरीबन 600 करोड़ रुपए का फंड का एक जरिया पेश किया जो असल मांग से दो गुना है। हीरा ग्रुप गुज़िश्ता 6 सालों से सरमायाकारों को कर्ज अदा करने की कोशिश कर रहा है और डॉक्टर नोएरा शेख ने इंसाफ के हुसूल के लिए एक भी दरवाजा नहीं छोड़ा है और मेंबरान जो मुश्किल दिनों में उनके साथ खड़े रहे, डॉक्टर नोएरा शेख सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई और तमाम जायदादों के खरीदारों की फेहरिस्त पर मुश्तमिल सील बंद लिफाफा जमा कराया। लोगों ने साजिश की और उन्हें दस्तावेज जमा कराने से रोकने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन उन्होंने कामयाबी के साथ लिफाफा जमा करा दिया।